देखिए यहाँ पर झाड़ू लगाने वाले कितने मेहनत करते हैं भाई, और झाड़ू भी यहाँ का देख लीजिए काफ़ी बड़ा है। और इन लोग खुश नसीब है कि यहाँ पे खिदमत करने का मौका मिला है इनको। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल में और हमारे ब्लॉग में। और जी हाँ बिल्कुल, आज हम लोग जा रहे हैं, अभी हम लोग नहा धो के रेडी हो चुके हैं और जा रहे हैं दरगाह शरीफ, लेकिन उससे पहले चाय पियेंगे। जी हाँ, क्योंकि कल से हम लोग चाय नहीं पिया है, बंद है, चाय नहीं पिया है, इसलिए चाय उधर के पहले चाय पीते हैं, उसके बाद जाएंगे दरगाह शरीफ के अंदर जाएंगे और बाहर से भी दिखाते हैं कि हम लोगों का कहाँ पे होटल है और कहाँ पे हमने होटल लिया है। जी हाँ बिल्कुल, ताकि आप लोग भी आए तो आप लोगों को भी लेने में आसानी हो। बिल्कुल, और अच्छी जगह पे अच्छी होटल है, तो चलिए चलते हैं बाहर। अल्लाह तो गाइस ये देख लीजिए, हम आ चुके हैं और जा रहे हैं नीचे और चलते हैं, आप लोगों को ज़ियारत कराते हैं दरगाह शरीफ की। और आप लोग बने रहिए और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब बुलाते हैं, उनके दरबार में आते हैं। माशाल्लाह से हम लोग ये तीसरी बार आए हैं। ये है हमारे होटल के बाहर का रास्ता, ये देखें माशाल्लाह कितनी भीड़ है। और सामने ही है दरगाह शरीफ का गेट, आप लोगों को दिखाते हैं अभी, यहाँ से दिख भी रहा है माशाल्लाह दरगाह शरीफ का गेट। और ये देखिए अगल बगल कितनी सारी दुकानें हैं, मिठाई की दुकानें, कपड़े की दुकान। और यहाँ पे काफ़ी ठंड है, आप यहाँ काफ़ी ठंड है फ्रेंड, मुंबई में तो मुझे हम लोगों को ठंड ही नहीं लग रही थी, लेकिन यहाँ आए तो बाप रे ठंड ने हालत ख़राब कर दी हमारी। कैसे तो हमने पूरा इंतज़ाम लेकर चला था। लोग अभी आ रहे हैं दरगाह शरीफ के मेन गेट के पास, करीब ही है, बस 2 मिनट का रास्ता है यहाँ से, तो चलते हैं पहले चाय वगैरह पी लेते हैं, उसके बाद दरगाह शरीफ के अंदर जाएंगे और ज़ियारत करेंगे और आप लोगों को भी करवाएंगे। भैया सरवार तारा नॉर्मल डे में भी यहाँ कितना भीड़ है, वैसे उर्स में तो यहाँ चलने की जगह नहीं रहती। और आप लोग आए और ख्वाजा गरीब नवाज़ की ज़ियारत करें, ये देखें आप लोग कितनी भीड़ है। और ये रहा सामने दरबार शरीफ का गेट, और इधर फूल वगैरह चादर वगैरह सब मिल जाएगा, काफ़ी भीड़ है अभी भी माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखें आप लोग मेन गेट, ये देखें नॉर्मल डे में भी यहाँ कितनी भीड़ है, पीछे देखें ये हमारे सामने ख्वाजा गरीब नवाज मेन गेट अंदर जाने का, ये देखें। और अभी हम लोग अंदर जाएंगे, थोड़ा सा कुछ पेट पूजा हो जाए उसके बाद ही, कल सुबह से हम लोग चाय नहीं पिया, पहले चाय वगैरह पी लेते हैं, उसके बाद चलते हैं अंदर ज़ियारत करते हैं और आप लोगों को इधर की मार्केट दिखाते हैं। ये देखें सामने दरगाह शरीफ गेट हो ना, उसके सामने जो रोड है और वहाँ पे जो मार्केट लगती है बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही प्यारी प्यारी चीज़ें मिलती हैं यहाँ से। सामने से तो आप लोगों को चादर फूल वगैरह की दुकान स्टार्ट हो जाएगी, और इधर देखें आप लोग बहुत सारी चीज़ मिलती है यहाँ पे, आप लोग आएँ तो यहाँ से एक बार शॉपिंग ज़रूर करें। ये देखें कितनी भीड़, यहाँ पाएंगे ना तो यहाँ पे कैमरा मैन भी मिल जाएंगे यहाँ बाहर में आप लोगों को फ़ोटोशूट करवाने के लिए। ये देखिए माशाल्लाह हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़, ये दरगाह का मेन गेट, और अभी हम लोग अंदर चलते हैं और अंदर जाके हम लोग ज़ियारत करते हैं और आप लोगों को भी करवाते हैं। और ये हम लोग आ चुके हैं दरगाह शरीफ के अंदर, और माशाल्लाह माशाल्लाह भीड़, यहाँ नॉर्मल डे में भी काफ़ी भीड़ है। तो
और अभी हम लोग जा रहे हैं अभी हम लोग जा रहे हैं चप्पल जूते रखने के लिए, क्योंकि अंदर चप्पल जूते लेकर आना अलाउ नहीं है। हाँ, लेकिन हमारे एक शाहरुख भाई हैं, उन्होंने हमें बता दिया है कि कहाँ रखना है, तो जब भी आते हैं हम तो वहीं पे रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे चप्पल जूते रखने के भी बेहतर लगते हैं। और अभी आप लोगों को दिखाते हैं, ये है, ये देखें, ये दरगाह का है मेन गेट, और इधर से राइट साइड जाएंगे ना तो अकबरी मस्जिद मिलेंगी आपको, और इधर चादर और फूल वगैरह का दुकान, इधर सामने हुजूर गरीब नवाज का गुंबद, माशाल्लाह आप लोगों को दिखता ही होगा, और आगे से भी मैं दिखाती हूँ चलकर। और यहाँ आप ऐसे भी आएंगे ना, उर्स नहीं रहेगा, फिर भी काफ़ी भीड़ रहती है, बहुत ही ज़्यादा भीड़ रहती है हमेशा यहाँ पे। आप दरगाह शरीफ आएँ तो दरगाह शरीफ के अंदर से भी फूल पेशी और शीरनी वगैरह ले सकते हैं, चादर, और इधर से अंदर जाएंगे ना तो ये अंदर मस्जिद है, वहाँ जाके आप नमाज अदा कर सकते हैं। कहते हैं कि दरगाह में आएँ तो वहाँ पे दो रकात नफिल नमाज ज़रूर अदा करें, हम लोग पहले भी आए हैं तो ज़रूर अदा किए हैं और इस बार भी इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। और ये देखिए यहाँ पे गरीब नवाज का लंगर बट रहा है। झगड़ा किया किसी मेहमान से, उसका खाली देखें, गरीब नवाज का लंगर, किस्मत वालों को ये मिलता है खाने को, देखिए कितनी भीड़ है यहाँ पे लेने को, और इधर वजू खाना। ये देखिए हम लोग फूल ले लिया और जा रहे हैं दरगाह शरीफ पे चढ़ाने, और डेली हम लोग जब तक डेली हैं यहाँ पे तो डेली हम लोग फूल दरगाह शरीफ पे चढ़ाते हैं माशाल्लाह, और अभी भी जा रहे हैं, आज तो थोड़ा लेट भी हो गया माशाल्लाह। ये देखिए हम लोग ने आज की आप लोग के लिए भी करेंगे, अपने परिवार के लिए, पूरे देशवासियों के लिए करेंगे। हाँ बिल्कुल, और चलते हैं, अल्लाह हाफिज़। माशाल्लाह ये देखिए ज़ायरीनों की भीड़, ये जा रहे हैं चादर पेशी के लिए, और ये देखिए ये है वजू खाना, ये है दरगाह शरीफ के अंदर का वजू खाना, ये है दरगाह के अंदर का वजू खाना, और देख सकते हो आप लोग भीड़ ज़ायरीनों की माशाल्लाह, ऐसे नॉर्मल डे में भी काफ़ी भीड़ है। और ये देखिए इधर से आप अंदर जा सकते हैं, ये देखिए मेन गेट, यहाँ पर हुजूर गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की बीवी साहिबाओं का मज़ार है, वहाँ पर हम जा नहीं सकते, सामने से वहाँ पर वीडियो बनाना अलाउ नहीं है, इसलिए वहाँ पर हम नहीं जा सकते। और यहाँ पर देखिए चिल्ला बाबा फरीदगंज शकर पाक पट्टनी चिश्ती ज़िला अनहा का मज़ार शरीफ, और इधर देखिए इधर सभी लोग नमाज और खिताब में मशगूल हैं, और ये देखिए काफ़ी भीड़ है अभी, और ये अंदर ज़ायरीनों को बैठने का इंतज़ाम है, और इधर से आप जा सकते हैं मेन गेट के तरफ ज़ियारत के लिए। और ये है जन्नतुल दरवाज़ा, जो कि रजब महीने में 6 तारीख से खुलता है, और उसके मौके पे, और ईद के मौके पे, बकरीद के मौके पे, और मुहर्रम के मौके पे ये खुलता है 4 बार साल में। ये देखिए इधर है मस्जिद, माशाल्लाह काफ़ी भीड़ है अभी भी,
सब बोर्ड वोट सब नहीं लगे। ये सब आप जितने भी चेंजेस देख रहे हैं ना, बोर्ड वगैरह और रेलिंग वगैरह सब न्यू लगा है अभी। और ये देखिए माशाल्लाह हुजूर गरीब नवाज सरकार की, सरकार का गुंबद। और ये देखें आप लोग, ज़ायरीन लोग चादर पेशी के लिए जा रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह क्या खूबसूरत नज़ारा है, वाह। ये देखिए आप लोग, माशाल्लाह बहुत बहुत सुकून लगता है। आप यहाँ आए अजमेर शरीफ दरगाह में तो काफ़ी सुकून लगेगा और बहुत ही अच्छा लगेगा, आपका दिल खुश हो जाएगा। ये देखिए माशाल्लाह कितनी भीड़ रहती है एनी टाइम। ये देखिए है दूसरा वजू खाना, जो कि दरबार के आप अंदर आएंगे ना तो वहाँ देखने को मिलेगा। ये देखिए ये जो हुजूर गरीब नवाज सरकार रज़ियल्लाहु अन्हा की जो बीवी साहिबाओं की मज़ार है ना, उसके अंदर ये लोग पानी डालते हैं और वहाँ से आप देखिए माशाल्लाह जायरीनों की भीड़ बहुत ही सुकून मिलता है यहाँ पर आकर। ये देखिए फूल वगैरह और इधर बैठने का एहतमाद किया गया है, काफ़ी लोग बैठे हुए हैं। ये देखिए आप लोग सामने से मेन गेट अंदर जाने का, हुजूर गरीब नवाज सरकार के दरबार के अंदर जाने का रास्ता। और इधर भी बैठने का ही बनाया गया है। ये देखिए यहाँ पर झाड़ू लगाने वाले कितने मेहनत करते हैं भाई, और झाड़ू भी यहाँ का देख लीजिए काफ़ी बड़ा है। और इन लोग खुश नसीब है कि यहाँ पे खिदमत करने का मौका मिला है इनको। देखिए यहाँ पर सलाम पढ़ा जा रहा है, और ये है गरीब नवाज सरकार का मेन गेट। ये देखिए आप जायरीनों की कितनी भीड़ है, लंबी लाइन लगी हुई है। ये देखिए कहाँ तक लाइन जा रही है। ये देखें आप लोग कितनी लंबी भीड़ लगी है जायरीनों की। ये फ्रंट गेट के अंदर जो बना हुआ है ये उनका मेन गेट है। और
इधर बैठ कर लोग इबादत करते हैं और इसके पीछे भी काफ़ी दुकान है, आप लोगों को दिखाते हैं अभी। ये देखिए पीछे भी काफ़ी है। हम लोग जा रहे हैं अंदर और ज़ियारत करने, फूल भी पेश करनी है। सुबह लग रहा है, ये देखिए अंदर का कितना अच्छा लग रहा है। जी हाँ जी हाँ, जिनका एग्ज़ाम है उनको अच्छे नंबरों से पास के लिए, जी हाँ, जिनको भी जिस चीज़ की ज़रूरत है सबके लिए हमने दुआ किया। इतना पार्टी कबूल फरमाया, आमीन। और आप लोग के ही लिए हम लोग आए हैं भाई यहाँ दरगाह शरीफ को, तो गरीब नवाज हम लोग को बुलाएं, लेकिन हम लोग कि हमें बार बार बुलाएं, बार बार बुलाते रहें, यहाँ पे आए ज़ियारत करें। माशाल्लाह हम लोग एक साल में ये दूसरी बार आ रहे हैं और आगे भी आते रहेंगे इंशाल्लाह। हम जा रहे हैं बाहर और फिर आएंगे रात में, और यहाँ का जो डेग है ना उसका आप लोगों को अलग से ब्लॉग बना बताएंगे। दो दो डेग है और कितनी बड़ी डेग है, ये दुनिया की सबसे बड़ी डेग है अकबर बादशाह दी। फिर नेक्स्ट व्लॉग में अल्लाह हाफिज़।